जय हिंद दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, उसी में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जानेंगे, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि इयान पावलोव के द्वारा दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन से इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पावलोव साहब का क्या प्रयोग था और उन्होंने क्या कहा था। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पावलोव ने अपने सिद्धांत में ये कहा था कि जब हम अनुबंधन सिद्धांत यानी कि जब उद्दीपक और रिस्पॉन्सकर्ता के बीच में एक अनुबंध बन जाता है और उस अनुबंध से अगर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है, अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। पहले आप इसको पढ़िए। पावलोव के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं और अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा प्राप्त किए गए अधिगम को हम अनुबंधन अधिगम सिद्धांत कहते हैं। ये देखिए, ये सारी बकवास चीज़ें हैं। बकवास इसलिए ना क्योंकि इसमें इतने टेक्निकल टर्म यूज़ किए गए हैं, इतने फिलोसफिकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि अधिगम, अब स्वाभाविक, स्टिमुलस, ये सारी चीज़ें छोड़िए, आसान भाषा में समझिए कि चीज़ें क्या होती है। आसान भाषा में पहले मैं आपको समझा दूं दोस्तों, अगर आप ये सब देखेंगे कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं कुछ समझ में नहीं आएगी। आप आसान भाषा में समझ जाइए, आसान भाषा में यहाँ से समझ जाएंगे फिर चीज़ों को आप क्लियर खुद कर लेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ लिखा है स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया, इन्हीं वर्ड्स के बार बार प्रयोग हैं। तो पहले इन चीज़ों को जब जान जाएंगे ना तो पूरे पावलोव थ्योरी को आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा फोकस करिए, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक बॉलीवुड का सॉन्ग लिखा है दोस्तों, बॉलीवुड का सॉन्ग। ये जो सॉन्ग है यकीन मानिए, ये सॉन्ग मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह ने पावलोव के थ्योरी के लिए ही गाया था। ये क्या लिखा है कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। अब इसमें क्या है भाई पावलोव थ्योरी, अब देखिए यहाँ पे ये लड़का ये इसको गाना गा के सुना रहा है, क्या सुना रहा है कि मुस्कुराने की वजह तुम हो। अब यहाँ पे ये लड़का इसके लिए क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, और यहाँ पे ये जो है वजह है इसके मुस्कुराने की। तो यहाँ पे यह उद्दीपक का काम कर रही है, यहाँ पे ये स्टिमुलस का काम कर रही है, क्योंकि ये इसके लिए वजह है मुस्कुराने की। और उद्दीपक उसे ही कहते हैं कि कोई चीज़, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति या स्थान जो आपको मजबूर करे, आपका वजह बने कोई अनुक्रिया करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी वजह से चूंकि ये मुस्कुरा रहा है तो यहाँ पे ये उद्दीपक का काम कर रही है, और इसका मुस्कुराना क्या है, इसका मुस्कुराना अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, इसको देख के इसका मुस्कुराना अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है। और एक और चीज़ यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे इसको देख के मुस्कुराना ये स्वाभाविक है, कि अगर इन दोनों के बीच कुछ संबंध है, कुछ दोस्ती है, तो इसको देख के इसका मुस्कुराना ये स्वाभाविक क्रिया हो गई, ठीक है, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक बात है कि चलो इसको देख के इसका मुस्कुराना। ओके दोस्तों, अब दूसरी स्थिति मान लीजिए कि ये मौजूद नहीं है, इसकी कहीं और शादी हो जाती है, ये यहाँ पे नहीं है, और ये लड़का यहाँ से जाता है, अचानक उसका घर दिखाई देता है, और इसका घर दिखाई देने के बाद फिर से वह वही रिस्पॉन्स करता है, फिर से ये वही अनुक्रिया करता है, क्या करता है कि मुस्कुराता है, ठीक है, स्माइल करता है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना होगा कि इसको देख के, इसके घर को देख के इसका मुस्कुराना क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है, क्योंकि इसे देख के मुस्कुराना स्वाभाविक और इससे जुड़े वस्तु को देख के कोई अनुक्रिया करना अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी, और स्वयं इसका यहाँ पे होना स्वाभाविक उद्दीपक और इससे जुड़े किसी वस्तु का होना अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। तो यहाँ पे घर कौन सा काम करेगा, अस्वाभाविक उद्दीपक का काम करेगा, क्योंकि अब ये लड़का इसको ना देखकर इसको देख के वही अनुक्रिया कर रहा है, तो इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे और इसको अस्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। अब इसे अगर आप समझ गए हैं तो अब मज़ा आएगा पावलोव के इक्वेशंस को समझने में, पावलोव के एक्सपेरिमेंट को समझने में। अब पावलोव के एक्सपेरिमेंट को समझिए, पावलोव ने क्या किया, सबसे पहले एक डॉग को, एक टॉमी को एक जगह एक एपरेटस में उसको बांध दिया और उसके फेस में कुछ ऐसी मेजरमेंट लगाई, एक ऐसा मीटर लगाया जिससे उसके स्लाइवेशन यानी उसके लार को मेजर कर सके। अब पावलोव ने क्या किया, सबसे पहले कि इस डॉगी के लिए वो कुछ खाना लेके आए,
तो पावलोव ने नोटिस किया कि खाना आते ही कुत्ता जो है, जो डॉगी जो है, वो लार उसका निकलने लगता है, वो सेलिब्रेशंस करने लगता है। इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया। फिर पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने एक बार घंटी बजाई, तो घंटी बजाने से ये घंटा रिस्पॉन्स करेगा, नहीं रिस्पॉन्स करेगा तो वो ऐसे ही खामोश रहा। अब पावलोव ने क्या किया, इसको खाना देते वक्त घंटी बजाई, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी इसको खाना देते वक्त घंटी बजाई, फिर तीसरे दिन भी इसको खाना देते वक्त घंटी बजाई, और यह क्रिया निरंतर करते रहें। एक दिन ऐसा आया कि खाना नहीं दिया, और केवल जब घंटी बजाई तो इस कुत्ते के लार बाहर आने लगे, ये सलाइवेशंस करने लगा। और पावलोव ने ये नोटिस किया कि जब मैं खाने के साथ घंटी बजाता था तो इस कुत्ते ने उस खाने और उस घंटी के बीच में अनुबंधन स्थापित कर लिया। इसको लगा कि जब भी घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा, तो अब खाना को देख के नहीं, उस घंटी की आवाज़ सुन के ही ये इसके लार निकलने लगे, और इसके कुत्ते और उस घंटी के बीच में अनुबंध स्थापित हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए हिंदी में अब यहाँ पे कैसे लिखा गया है, कि पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया। इसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है, चूँकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुँह में लार आ जाता था। आगे लिखा है कि कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो देखा गया कि भोजन के आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। केवल भोजन आया नहीं, केवल घंटी बजी और उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था, कि जब भी घंटी बजेगी उसे अपने लार का स्राव करना है, इस अनुक्रिया को वो सीख गया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार स्राव के बीच एक नया सहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई, एक नया संबंध स्थापित हो गया, उसे अनुबंधन कहा जाता है। इसी क्रिया को अनुबंधन कहा जाता है। पहले इंग्लिश में चीज़ों को समझ लीजिए, फिर हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। मिस्टर पावलोव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग इन अ स्पेशली बिल्ड साउंड प्रूफ लेबोरेटरी। ही ऑल्सो डिजाइंड एन एपरेटस दैट कुड मेजर द अमाउंट ऑफ सलाइबा ऑफ द डॉग। ओके, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट पावलोव गेव फूड टू द डॉग एंड नोटिस दैट डॉग नेचुरली सैलिवेटेड। ये नेचुरली अपने लार का स्राव कर रहा है। लेटर ऑन पावलोव स्टार्टेड रिंगिंग अ बेल पेयर्ड विद अ फूल। फूड के साथ युग्म बना के वो रिंग बजाने लगे। वन डे द बेल वॉज रिंग एंड नो फूड वॉज गिवेन द डॉग एंड इवेंचुअली डॉग स्लेवेटेड। यहाँ पे देखिए कि वन डे ओनली द बेल वॉज रिंग एंड नो फूड वॉज गिवेन द डॉग इवेंचुअली सेलिवेटेड। यहाँ पे डॉग काट दीजिए, एंड इवेंचुअली डॉग सेलिवेटेड। जब केवल फूड ना देकर घंटी बजाया गया तभी डॉग से क्या हुआ, लार का स्राव होने लगा। ये इसका इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट था। तो अब यहाँ देखिए, चूँकि भोजन को देख के इसके लार का निकलना ये तो स्वाभाविक अनुक्रिया है भाई, क्योंकि भोजन के देख के इसके लार का निकलना। अब बताइए कि भोजन यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक, और भोजन को देख के इसके लार का निकलना स्वाभाविक अनुक्रिया है, लेकिन घंटी की आवाज़ यहाँ पे क्या है, घंटी की आवाज़ यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक है, और घंटी की आवाज़ पे इसके लार का निकलना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा क्या, कि घंटी की आवाज़ पे और भोजन पे दोनों के लिए इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसकी अनुक्रिया समान थी। घंटी की आवाज़ पे भी इसका बाद में लार निकलने लगा और भोजन पे भी इसका लार निकलने लगा। अर्थात जब भी, ये डेफिनेशन याद रखिए, कि जब भी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है भाई, यहाँ भोजन है, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा भाई, अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर घंटी की आवाज़ है। तो फिर से सुनिए कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रियाकर्ता का अनुकरण समान हो, रिस्पॉन्स करने वाले का रिस्पॉन्स समान हो, तो इसे अनुबंधन कहते हैं, इसी क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसी चीज़ को लिखा है पावलोव के अनुसार, जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली अनुक्रिया हो तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पावलोव द रिस्पॉन्स टू द कंडीशनल स्टिमुलस इज सिमिलर टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस
इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहते हैं? जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के होने वाली अनुक्रिया के समान हो, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। एक बार और एग्जाम्पल में समझ जाइए, इस एग्जाम्पल से समझ जाइए कि इसके प्रति होने वाली इसकी अनुक्रिया और इसके प्रति होने वाली इसकी अनुक्रिया दोनों समान है, इसको भी देख के मुस्कुराना, इसको भी देख के मुस्कुराना, ये इसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो जब स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया समान हो तो इस क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं भाई? अनुबंधन अनुक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस पावलोव के सिद्धांत को आप इक्वेशन से समझ जाइए, यहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको ज़रूर लिखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अगर इंग्लिश में दे रहे हैं तो इसको ज़रूर लिखिएगा। इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत के चरण, स्टेज ऑफ पावलोव कंडीशनिंग थियरी। इसमें पहले हिंदी में समझिए, प्रथम चरण में क्या था? प्रथम चरण में स्वाभाविक उद्दीपक, हमने कुत्ते को भोजन दिया तो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, कुत्ते का लार निकला। दूसरा चरण क्या था भाई? दूसरा चरण ये था कि हमने अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी बजाई, भाई घंटी बजाने में कैसे लार निकलना, ये तो अस्वाभाविक है, तो कोई अनुक्रिया नहीं हुई। और तीसरा चरण क्या था कि तीसरे चरण में हमने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन भी दिया और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी भी बजाई, इस कंडीशन में क्या हुआ? लार निकला, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ये तो स्वभाव से विपरीत है ना, क्योंकि जब आप घंटी बजा रहे हैं तब भी इसके लार निकल रहे हैं, तो ये अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। और चौथा चरण क्या था, चौथा और अंतिम सबसे चरण, कि जब केवल घंटी बजाई गई अस्वाभाविक अनुक्रिया तब भी इसके लार स्राव हुए, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई अस्वाभाविक उद्दीपक पे। तो ये इसके चार स्टेज थे। इंग्लिश में इसको समझ जाइए कि स्टेज वन में क्या था, कि जब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस, जब हम इसको फूड दे रहे थे तो डॉग ने भाई अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया सेलिवेशन से, यानी उसके लार निकले। दूसरा स्टेज इसका ये था कि जब हमने कंडीशनल बेल बजाया, सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, तो जब हमने केवल बेल बजाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये तो भाई चलो नो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब बात करते हैं स्टेज थ्री में, हमने यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि फूड भी दिया और कंडीशनल स्टिमुलस घंटी भी बजाई, तब यहाँ पे जो इसका रिस्पॉन्स था कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसका सलाइवेशन होना, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, अस्वाभाविक हो गया, ठीक है। और चौथे चरण में क्या हुआ, चौथे चरण में बस केवल घंटी ही बजाई गई तो उसका लार निकला, यानी कि सलिवेशन हुआ। तो कंडीशनल स्टिमुलस, साउंड ऑफ अ बेल और सलिवेशन, तो ये चार चरण हैं, इसको आप समझ के ज़रूर इसको लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पावलोव के इफ़ेक्ट को प्रभावित कौन कौन से करते हैं। अगर कोई बच्चे को आप पावलोव कंडीशनिंग के द्वारा सिखाएंगे तो क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं? सबसे पहला इसका एज, इसकी एज प्रभावित कर सकती है, अगर बच्चे की एज सही है तो वो सीखेगा। दूसरा इसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास जरूरी है। तीसरा टाइम, कि आप कब पढ़ा रहे हैं, कितने समय तक पढ़ा रहे हैं। और तीसरा रिपीटेशंस, आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। चौथा मोटिव क्या है, आपका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। और पाँचवा मेंटल हेल्थ। तो पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं भाई? उम्र, अभ्यास, समय, दोहराना, उद्देश्य और मानसिक स्वास्थ्य, एज, एक्सरसाइज, टाइम, रिपीट। एक पॉइंट जो मुझे पहले बता देना चाहिए था वो ये था कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, पावलोव के क्लासिकल थ्योरी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसको बस कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसको अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, यही अधिगम का ओल्डेस्ट थ्योरी है, ठीक है दोस्तों। तो अधिगम ये तो टेट में अक्सर पूछे जाते हैं कि अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत कौन है, तो पावलोव का कंडीशनिंग सिद्धांत। इसको कहा जाता है अनुबंधन अनुक्रिया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, याद रखिए। थॉर्नडाइक में क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, SR थ्योरी था थॉर्नडाइक का, इनका क्या है भाई, इनका CR थ्योरी है, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। और संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, इसको भी कहा जाता है कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, और इसको प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी, इनको इन पांच नामों से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि शिक्षा में इस पर इसका क्या उपयोग है। यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है कि अपने स्वभाव से आप सीखिए। दूसरा, अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों प्रशिक्षण में सहायता करता है, क्योंकि आप पशु पक्षी से बात करके तो सिखा नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से आप उन्हें सिखा सकते हैं।
इस सिद्धांत के उपयोग से मंदबुद्धि बालकों का अधिगम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक मोस्टली क्रिया को देख के या किसी उद्दीपक से जोड़ के ही सीखते हैं, क्योंकि वो बातें कम समझ पाते हैं। चौथा, यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण तथा बुरी आदतों को छुड़ाने में सहायता करता है। पाँचवा, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षण सहायक सामग्री है तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, पावलोव के इस सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट आपका है कि इसके चरण देखना, इसके चरण को समझना। ठीक है, इसके चरण को समझना इम्पॉर्टेंट है। बड़ा आसान, देखिए कोई वो मुश्किल नहीं है। आप इंग्लिश वाले को छोड़िए, हिंदी वाले को देखिए। पहले चरण में क्या था, हमने भोजन दिया तो उसका क्या हुआ, उसका लार निकला। दूसरे चरण में हमने घंटी बजाई, कोई अनुक्रिया नहीं हुई। तीसरे चरण में हमने घंटी बजाई और भोजन दिया तो उसका लार का सराह हुआ। चौथे चरण में हमने केवल घंटी बजाई तो भी उसका लार का सराह हुआ। तो ये चार चरण हैं। और रही बात ये स्वाभाविक और अस्वाभाविक की, मतलब क्या होता है, तो सिंपल समझ जाइए कि भोजन देने पे इसके लार का सराह होना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन जब घंटी बजाया जाए तब इसका लार का सराह हो तो ये अस्वाभाविक होगी। तो जहाँ भी घंटी बजाने पे, जैसे यहाँ पे घंटी बजाया गया और इसके लाव का सराह हुआ, तो ये अस्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी टॉपिक पावलोव के लेके। उम्मीद है आपको ये हेल्प करेगी समझने में। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बुक और सीरीज उठानी है और एक बार इसके दिए गए थ्योरी को पढ़ना है। ये तो बस मैंने हंसी मजाक और मस्ती में लिख दिया था, ताकि देखें ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था कि स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया क्या होता है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए मेरा मोटिव था इसका यहाँ पे यूज़ करना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप सीरीज किताब से एक बार पढ़ के नोट्स बना के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी, आप प्लीज़ फीडबैक दे के कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।